अडानी पोर्ट्स ने 705 करोड़ रुपए के दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही डीपीएल को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है। डीपीएल पोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के राजपुरा क्रिक के किनारे स्थित है। इसकी दूरी मुंबई पोर्ट से 42 नॉटिकल माइल्स है और सड़क के रास्ते इसकी दूरी 170 किलोमीटर है। दोस्तों, अडानी पोर्ट्स ने बताया है कि कंपनी पोर्ट्स को महाराष्ट्र के लिए वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव गेटवे के तौर पर विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। डीपीएल पोर्ट अडानी पोर्ट के बैनर तले आने वाला 12वां पोर्ट बन गया है। अडानी पोर्ट के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ करण अडानी ने कहा है कि डीपीएल के सफल अधिग्रहण ने अडानी पोर्ट के बंदरगाहों को बनाने के लक्ष्य में एक नया कीर्तिमान जोड़ा है, जिससे भारत के पूरे आर्थिक क्षेत्र में सर्विस कवरेज बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अडानी पोर्ट डीपीएल पोर्ट को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मल्टी कार्गो पोर्ट में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। इसके साथ ही कंपनी की योजना आसान और बेहतर कार्गो मूवमेंट के लिए रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी निवेश की योजना है। इससे कंपनी की महाराष्ट्र में मौजूदगी स्थापित होगी, जो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। कंपनी ने कहा कि इस पोर्ट से अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को महाराष्ट्र में ग्राहकों की सेवा करने में मदद मिलेगी, जिसमें बड़े औद्योगिक क्षेत्र और मुंबई और पुणे क्षेत्र का विकास शामिल है। अडानी पोर्ट्स ने बताया कि कंपनी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ साथ उनकी मरम्मत भी करेगी और दोस्तों साथ ही ड्राई कंटेनर और लिक्विड कार्गो के सुविधाओं के विकास में निवेश होगा। आपको बता दें कि कंपनी की प्लानिंग डीपीएल पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को अल्टरनेटिव गेटवे के तौर पर विकसित करने की है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि रेजोल्यूशन प्लान की शर्तों के मुताबिक महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड और अडानी पोर्ट से कंसेशन राइट्स के ट्रांसफर को भी मंजूरी मिल गई है, जिसने फाइनेंशियल क्रेडिट एमएमबी के बकाए और दूसरे लागत और क्लेम का सेटलमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट अडानी पोर्ट्स को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।